आज के समय में लोग अपनी खुद की गलतियों और बुराइयों पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश करते हैं और दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने का दिखावटी ड्रामा ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छे से आता है। ये जितने ज़्यादा गलत होते हैं उतने ज़्यादा खुद को सही भी मानते हैं और हमेशा ये अपनी गलती ना मानकर दूसरों की गलतियों में नज़र ज़्यादा डालते रहते हैं। इनको सिर्फ दूसरों के अंदर ही झांकने की कला होती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन लोगों को हर एक चीज़ से मतलब होता है। जब ये दोषी भी होते हैं तो ये इतने आसानी से अपनी गलती भी नहीं मानते। इनको सामने वाला ही गलत दिखाई देता है। जब इनकी गलती पाई जाती है तो ये खुद को बचाने के लिए चाहे कितने ही ड्रामे झूठ बोलने पड़े लेकिन खुद को हमेशा गलत में भी सही बनाने के लिए ये अपने आप को एक वकील जैसा बना लेते हैं। लेकिन जब वही गलती किसी दूसरे से हो जाए तो ऐसे ही लोग सबसे पहले सामने वाले की गलती निकाल कर उसके लिए जज बनकर फैसला करने की बहुत ही बेताब होते हैं। अगर ऐसे लोग ज़्यादा हुए तो माहौल ख़राब होने में समय भी नहीं लगता। और अगर आपके आसपास ऐसे झूठे लोगों को सपोर्ट करने वाले मिल गए तो फिर इनकी तो बल्ले बल्ले ही हो जाती, फिर तो सोने में सुहागा जैसे इनकी चमक बढ़ जाती और जो सच्चा हुआ वो गलत बन गया। आज लोग ये नहीं देखते कि किसकी गलती है, वो बस चेहरा देखकर सपोर्ट करने में ज़्यादा होते हैं। जिसको देखते हैं कि इससे हमारा मतलब स्वार्थ काम है या ये इंसान हमारे काम आ सकता है, वो भले ही कितना ही गलत क्यों ना हो, लोग उसी का हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। लेकिन सामने वाला कितना भी सही हो लेकिन अगर वो उस लायक नहीं या किसी के स्वार्थ के काम नहीं आता तो बस ऐसे लोगों की झुंड में हमेशा सच्चा इंसान ही दोषी साबित होता है। ये आज के समय का बिल्कुल कड़वा सच है। आज लोग वजन देखकर बोलते हैं। अगर आप में वजन नहीं तो फिर आप बने रहो सच्चे, कोई आपका साथ नहीं देगा। तो ऐसे लोग खुद की गलती में अपने लिए वकील बनकर अपनी सफाई देने लगते हैं और दूसरों की गलती में यही लोग जज बनकर जल्दी से उसकी गलती बताकर खुद अपनी सलाह दोष देने आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं अतुल इजाज़त चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल अतुल मोटिवेशन जोन को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।